तो कतना दिन से एजा नहर पे बा लो के नहर को तो बन जाए 20 साल भर बेसी 10 बरस ले अच्छा गोला का तनी समाचार बटुए कुरान सराय से बड़ा खबर आ रहा बटुए प्रशासन के चलल बा बुलडोजर। जी हाँ, कुरान सराय थाना अंतर्गत बनकट गांव में बुलडोजर के कार्रवाई भइल बा। थाना के अलावे सीओ के मौजूदगी में ई कार्रवाई भइल बटुए। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। बनकट गांव के लोग के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो अभी बेल आइकन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली ताकि सबसे पहले खबर रौदा मिलत रहे। देखला के बाद शेयर जरूर करी। कुरान सराय थाना के बनकट गांव में 12 से 1 बजे के बीच कुरान सराय थाना आ डुमराव सीओ तई बुलडोजर के कार्रवाई भइल बटुए। तनी विस्तार से जान ली तो 12 से 1 बजे के करीब कुरान सराय के थाना सीओ अंकिता सिंह के नेतृत्व में बुलडोजर के कार्रवाई कैल गई बटुए। जवन जानकारी मिल रहा बटुए ए बुलडोजर के कार्रवाई लोक शिकायत में एकर कंप्लेन कैल गई रहे जेकरा आलोक में ई कार्रवाई कैल गई बटुए। सीओ से जब बातचीत भइल तो वहाँ के कहनी कि एकरा पहले भी लोग के नोटिस दिहल गई रहे। बनकट गांव के नहर के छाट भिरी बसल ई लोग के हटे खातिर पहले ही अल्टीमेटम दिहल गई रहे, लेकिन एकरा बावजूद पुलिस बार बार वापस लौट जात रहे। लेकिन एह बार पुलिस पहुँचल आ साथे साथ सीओ पहुँचली आ बुलडोजर के कार्रवाई में ढाई ढूई के बराबर कर दिहल गई बा। वही जे ग्रामीण के आरोप बटुए कि सरकार हमनी के कोनो घर बधार जमीन नहीं खे, हमनी के अब कहाँ जाए जा, खुला छत के आसमान के नीचे अब रहे के मजबूर बानी जा। ई लोग कहता कि सरकार के आदेश बा कि जेकरा धीरी जमीन नहीं खे ओकरा के पहले जमीन देवे के पटुए ओकरा बाद ए बुलडोजर के कार्रवाई करे के पटुए। हालांकि बुलडोजर के कार्रवाई हो चुकल बटुए, अब देखे के बटुए कि यह मामला में का नया मोड़ आवत पड़ुए। लेकिन ई लोग रो रो के अपन व्यथा कह रहा बा। पुलिस के सामने भी काफ़ी खासा परेशानी के सामना करे के पड़ल। महिला लोग हाथ में लाठी डंडा लेके विरोध प्रदर्शन भी कई, लेकिन विरोध प्रदर्शन पुलिसिया कार्रवाई के आगे फीका पड़ गई। एहमे रंग बहादुर पासवान, वीर बहादुर पासवान, लोहा पासवान, विनोद पासवान, तेज बहादुर पासवान, धनजी पासवान, हरि पासवान, कामता पासवान, मोहन पासवान, भोला पासवान, अजय पासवान, अनिल पासवान, भरत पासवान, ई लोग पे बुलडोजर के कार्रवाई भइल बटुए। जैसन कि ई ग्रामीण के कहना बटुए तो भोजपुरिया समाचार अभी बयान सुनावे जा रहल बा। बयान सुनी आ देखला के बाद शेयर करी। धन्यवाद। अच्छा बताओ लो काहे खातिर माने तहन लगे झोपड़ी उजरता का मांग बा सरकार से कतना दिन से एजा नहर पे बा लो नहर को तो बन जाए 10 बरस ले अच्छा माने 10 बरस ले बाउल नहर पे ठीक बा। तहार भाई का कहना बा? हमार ये कहना बा कि हमने के भूमिहीन बनी जा, हमने के जगह हमने के गरीब आदमी बनी जा, हमने के सरकारी चाट में रहत नहीं जा, बकरा बकरी गोरू माल बांधत नहीं जा, टट्टी झोपड़ी लगे में जा, गौत कुटी घर नहीं जा। आई जोन कुटुल तिवारी बड़ा कुरान के सीओ साहब के बड़ा बाबू के पैसा देके जब ना तब जिस भी बुलवाए तरन धमकी दिवावा तरन मारे पीटे के बड़ा बाबू मारे पीटे कहा था नहीं आके जो बेरा जिस भी है तू फरमाए करा था नहीं तू रोवा था नहीं बताए जाके हमने के रहें जाके कहाँ तो प्रशासन तो हम लोग के माने की डाटा तो बोला था प्रशासन के काम जैसे की तो हम लोग के माने की पीछा हेल्प करे वाला नहीं क्यों नहीं के प्रशासन आज एक बार ना आज सैकड़ों बार माने 200 बार आ गई। हमने के डाटा था हमने हटावा था जिस भी ले जाके जब मन तब लगातार ढावे आज जिस भी आई लिया ढावती आने में आई सब हटावे का आदेश आ गई। सीओ मैडम हमने के मतलब कि कागजों ना दिया लगे कोनो रिपोर्ट ना देख ले कि हाँ कंप्लेन आई बा तो हम लोग के हटावे के बाद
कि डीएम साहब कहले बानी कि के कहले बा डायरेक्ट आके हटावल जाता। तो सीएम मैडम का कहतरी कि माने कि सबके ऊपर एफआईआर दर्ज होई ना झोपड़ी हटेबा त। और ये लोग बोल रहे हैं कि अगर झोपड़ी नहीं हटेगा तो सबके ऊपर केस दर्ज होगा और सबको जेल में डाला दिया जाएगा। अच्छा ठीक बा।